गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। पहले मैंने आप लोगों को डाला था प्रेजेंट इंडेफिनिट और उसके बाद पास्ट इंडेफिनिट। मैंने तीनों ही टेंस के इंडेफिनिट को अभी पकड़ा हुआ है जो फर्स्ट टाइप है, ठीक है। तो मैंने प्रेजेंट इंडेफिनिट आपको बताया था जिसमें हमने सीखा था कि हम जो प्रेजेंट में हैबिचुअल वर्क की बात करते हैं तो हम उसको कैसे फ्रेम करते हैं, आप उसको फिर देख लेना। फिर मैंने आपको पास्ट इंडेफिनिट की बात कही थी कि जिसमें वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है सिंपल सेंटेंसेस में। आज मैं ले रही हूँ फ्यूचर इनडेफिनिट। देखो फ्यूचर मैंने ऊपर से यहाँ पे लिख रखा है, फ्यूचर इनडेफिनिट, INDEFINITE टेंस, फ्यूचर इनडेफिनिट। तो फ्यूचर इनडेफिनिट में कौन से सेंटेंस आएंगे, जैसे मैं अगर कहूँ कि कल मैं ऐसा करूँगी, मैं वहाँ जाऊँगी, वो आएंगे जाएंगे, इसीलिए मैंने आइडेंटिफिकेशन जो वर्ड्स है गा गे गी सिर्फ एक पहचानने के लिए, क्योंकि मैं आपको हिंदी से इंग्लिश वर्जन में पढ़ा रही हूँ। सो दीज काइंड ऑफ फ्यूचर जब हम कहेंगे तो ऑलरेडी आपको समझ में आ रहा है ना भविष्य की, भविष्य में हम कैसे बात करेंगे, ऐसा होगा। तो जो भी चीज़ें इस तरह की होंगी उसको हम फ्यूचर इनडेफिनिट कैटेगरी में रखेंगे, ठीक है। तो फ्यूचर इनडेफिनिट में भी जो फर्स्ट टाइप ऑफ सेंटेंसेस होंगे अफर्मेटिव, मतलब सिंपल सेंटेंस। अफर्मेटिव मतलब होता है स्वीकारात्मक, यहाँ पे कोई नेगेशन नहीं है, ऐसे सेंटेंसेस हम फ्रेम करेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस जो होंगे वो सिंपल सेंटेंस होंगे, ठीक है। उसका जो फॉर्मूला मैंने यहाँ पे शॉर्ट आप सीखेंगे, सो वो होगा सब्जेक्ट सबसे पहले आएगा सेंटेंस में, विल और शैल प्लस वर्ब की हमेशा फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, क्योंकि विल और शैल एक्चुअली मॉडल्स भी होते हैं, इनको हम मॉडल वर्ब्स भी कहते हैं। तो विल और शैल के साथ बिल्कुल याद रखना है आपको, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, ठीक है। विल और शैल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है। अब विल और शैल का प्रयोग वैसे होता कहाँ है, जनरली अब जो मॉडर्न इंग्लिश में इंग्लिश है उसमें शैल का यूज बहुत ही ज्यादा ऑब्सोलीट हो चुका है, वी डोंट यूज दैट मच। बट पहले से जो होता था वो सिस्टम ये था कि एक्चुअली फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का यूज होता था, फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन के जो प्लूरल्स होते हैं। फर्स्ट पर्सन जैसे आई के साथ शैल का यूज होता था पहले, और उसमें एक स्पेसिफिक रूल था कि जनरल कंडीशन में शैल आएगा, और अगर आई के साथ आई, जो आई मीन्स मैं, मुझे कोई बहुत ही कोई ऑब्लिगेशन, कोई प्रॉमिस, कोई ऐसा फर्म डिटर्मिनेंट आइडिया व्यक्त करने के लिए आई के साथ विल लग जाता था। पर आज के इंग्लिश में इसका इतना ज्यादा आपको ये नहीं सोचना है, मतलब आप विल का ही मैक्सिमम यूज कर सकते हैं, बट कहीं कहीं जगह पर शैल भी बहुत ज्यादा जरूरी होता है। तो फिर भी आप इसको देख ले, विल और शैल, वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, कर्म जिसे कहते हैं, ठीक है। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज मैं कल स्कूल आऊंगी, ठीक है। तो देखो फ्यूचर अपने आप पता चल रहा है ना, कल की बात कर रहा है कि मैं कल ऐसा करूंगा, तो मैं कल स्कूल आऊंगी। तो सब्जेक्ट क्या है इसमें, मैं, आई, विल और शैल में मैंने विल ही लगा लिया यहाँ पे, आई विल। वर्ब क्या है, कम, आना, सो आई विल कम टू स्कूल टुमारो, और आने वाले कल को हम कहते हैं टुमारो। हम विद्यालय में पढ़ेंगे, तो हम विद्यालय में पढ़ेंगे, इसमें फर्स्ट आपका सब्जेक्ट क्या है, हम, वी विल स्टडी इन द स्कूल। वे अपने गाँव जाएंगे, सो वे जो होता है दैट वी से दे विल गो टू देयर विलेज। मैं आशा करता हूँ कि हम खेल में जीतेंगे, सपोज ये एक स्टेटमेंट है, मैं आशा करता हूँ। देखो मैंने इसलिए दो स्टेटमेंट लिए, मैं आशा करता हूँ प्रेजेंट इंडेफिनिट कहता है, ती है, सो आई होप, देखा था आपने, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आई के साथ, आई होप दैट हम खेल में जीतेंगे, फ्यूचर इंडेफिनिट है ना। वी शैल विन, विन माने जीतना, डब्ल्यू आई एन, विन द गेम, वी शैल विन द गेम। तो ये सिंपल सेंटेंसेस हमने यहाँ पे बनाए फ्यूचर इंडेफिनिट के, कैसे बने हैं, आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। अब सीधा इसके नेगेटिव में चलते हैं, जो नेगेटिव सेंटेंसेस हैं। अब नेगेटिव बोलने से शायद प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही पढ़ा चुकी हूँ, पास्ट में बता दिया है, जहाँ पे नॉट आता है तो क्या कर लेना, हेल्पिंग वर्ब है हमारी विल और शैल, उसके बाद नॉट लग जाएगा, बाकी वही है सब्जेक्ट प्लस विल नॉट शैल नॉट, जो भी हम यूज करेंगे, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे एक सेंटेंस बनाया है, सुहानी कल घर नहीं रहेगी, तो सब्जेक्ट क्या है हमारा, सुहानी, विल नॉट, रुकने को या रहने को कहते हैं स्टे एट होम। सभी लोग कल बाहर नहीं जाएंगे, सभी लोग को क्या कहेंगे, ऑल द पीपल शैल नॉट मूव आउट टुमारो, ऑल द पीपल शैल नॉट मूव आउट टुमारो। सो दीज आर नेगेटिव सेंटेंसेस, दे वर सिंपल सेंटेंसेस। अब हम चलते हैं अपनी थर्ड कैटेगरी, दैट इज इंटरोगेटिव सेंटेंसेस। और मैं अब इतनी बार बोल चुकी हूँ, आई होप कि सभी बच्चों को जो इन वीडियोस को देख रहे हैं उनको बहुत अच्छे से समझ में आ जाना चाहिए कि इंटरोगेटिव हमेशा मैं दो टाइप में पढ़ा रही हूँ, एक वो जो क्या से शुरू होते हैं, क्योंकि हम हर कंडीशन में एक तो शॉर्ट क्वेश्चन फ्रेज करते हैं ना कि क्या तुम ऐसा करते हो, क्या तुमने ऐसा किया,
क्या तुम ऐसा करोगे? तो इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं जो क्या से शुरू होते हैं, मैंने पहले भी कहा है उसमें क्या के लिए व्हाट का यूज़ नहीं किया जाता, हम उस पर उन्हीं की हेल्पिंग वर्ब, जिस भी टेंस को हम पढ़ रहे हैं उस पर उस समय जो हेल्पिंग वर्ब चल रही होती है जिसका यूज़ किया जाता है उसी से उस सेंटेंस को हम फ्रेज करते हैं। तो इसका जो फॉर्मूला मैंने बताया था, विल ऑब्लिक शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, यहाँ पे जो वी मतलब वर्ब है, एस माने सब्जेक्ट है, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट है जिसको आप हिंदी में कर्म कहते हो। तो जैसे एक सेंटेंस में बनाया, क्या मैं आपकी मदद करूँ? तो देखो जो इस तरह के क्वेश्चन उसमें शैल यहाँ पे यूज़ होता है, जहाँ पे हम एक तरह से पूछ रहे हैं, परमिशन ले रहे हैं कि क्या मैं ऐसा करूँ, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, शैल आई हेल्प यू, शैल आई हेल्प यू, क्या तुम हमारे घर आओगे, क्या तुम हमारे घर आओगे, सब्जेक्ट तुम है ना, पहले विल आ गया, विल यू कम टू आवर होम, विल यू कम टू आवर होम, आवर मीन्स हमारे, ओ यू आर होम, ठीक है, क्या कल परीक्षा होगी, शैल द एग्जाम टेक प्लेस टुमारो, शैल द एग्जाम्स टेक प्लेस टुमारो, कल एग्जाम होंगे। तो ये मैंने फर्स्ट, अब आप बहुत सारे बना सकते हैं, क्या तुम मेरा कहना मानोगे, विल यू ओबे मी, क्या तुम मेरे साथ बाजार चलोगे, विल यू कम विद मी टू द मार्केट, क्या तुम मेरी मदद करोगे, विल यू हेल्प मी, तो इस तरह के आप बहुत सारे सेंटेंसेस आराम से फ्यूचर टेंस में बना सकते हो अगर आप एक बार इन चीज़ों को समझ जाओ। अब नेक्स्ट कैटेगरी इंटरोगेटिव ही चल रहा है, और इंटरोगेटिव में मैंने बताया था एक तो होता है जो क्या से शुरू होता है, अब दूसरा इंटरोगेटिव कौन सा है जो किससे शुरू होता है, जिसमें प्रश्न सूचक जो शब्द होते हैं वो बीच में होते हैं, सेंटेंस के बीच में आते हैं, कि तुम कल कितने बजे स्कूल आओगे, एट विच टाइम विल यू कम टू स्कूल टुमारो, ऐसे। तो अब यहाँ पर प्रश्न सूचक शब्द डब्ल्यू एच लिख दिया मैंने, क्योंकि बहुत सारे होते हैं, व्हाट, व्हाई, व्हेन, वेयर, सो मैनी शब्द बीच में।